इसके साथ है, देखिए उसके साथ सरकार है, इनके साथ सरकार नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि मतलब हरा देंगे इसको? इन भाई के साथ सारी जनता है, जनता जनता प्रतिनिधि जीतेगा, जनता सब इनके तो साथ। आप लोग चले हुई थे ना? अच्छा। एक सच्चाई में जो एक पार्टी ने टिकट दी, एक किसान के लड़के को कांग्रेस अच्छा। पार्टी ने दी है, मतलब एक लोगों को ऑप्शन दिया है, किसानों को एक धारणा दी है कि अब इसके साथ चले आप, एक विचारधारा होगी इसका। जी आपका स्वागत है मेरे भाई वालों का। उसके लिए आए हम। फिर आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल भाई, इंदू राज की जीत के प्रति आश्वस्त। बिल्कुल भाई, समर्थन देने के लिए आप यहाँ? हाँ भाई। और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे चुनाव में बालू राज के समर्थन में आप क्या क्या करोगे? उसके लिए सब कुछ करें जो बोले हो। हाँ, नरवाल के साथ है? हाँ भाई, पूरा समर्थन आपका इंदू नरवाल। बिल्कुल भाई, हमारे दादा हूँ। आपके दादा है? हाँ, गांव से ही है। ये गांव से ही है। और क्या कुछ करोगे आप इंदू राज नरवाल के लिए? जो भी कुछ बोले वही करेंगे भाई, जो बोलेगा वही करेंगे। मतलब तन मन धन से इंदू राज के साथ है? साथ है भाई। ये देखिए भाई, भाई साहब कल यहाँ पहुँचे थे और इन्होंने बताया कि जो दादा बोलेगा कहेंगे भाई, ये कुकर आ रहे हैं भाई। राम भाई साहब, आपका क्या शहना हो यहाँ? भाई बालू के लिए आ रहे हैं हम, इंदू राज के लिए। अच्छा, क्या प्रोग्राम आज का? भाई बेनावरकण बना रहा है ये प्रोग्राम है। तो आप जीत के प्रति आश्वस्त? हाँ, बढ़िया तरिया जितवाओगे, बढ़िया, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। और इनसे बढ़िया क्या होगा? आपके गांव में पहली बार? हाँ, पहली बार टिकट दी है हमारे को। हल्के के बाहर को दिया, अगरदीप के बाहर हल्के को दी है, बहुत अच्छा। हम आभार करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, बहुत अच्छा करा उन्होंने ये दे करके, और बहुत अच्छे हमारे लिए काम करेंगे सब, हर एक हल्के के लिए काम करेंगे, हल्के के लिए काम करेंगे। कुछ और भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, स्वागत है भाई साहब। आज यहाँ आए हो आप इतनी संख्या में गाँव रंडाणा से? हाँ भाई, इंदू राज नरवाल के लिए आए हैं, वहाँ नामांकन करवाना है। नामांकन करवाने के लिए आए हैं? तो योगेश वर्दत भी मुकाबले में है उनके, कोई दिक्कत नहीं कि योगेश वर्दत को हरा देंगे? पीछा रहा था फिर हरा देंगे। अच्छा, पीछा रहा था फिर हरा देंगे, हरा देंगे, कन्फर्म है? पक्का आश्वस्त हो? जमा पक्के। ये देखे भाई, एक भाई और डी बता रहा है मोदी की डाली। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, कोई बात नहीं बाबा जी। हैं भाई, भाई साहब जो आज ये नामांकन देखना है, प्रदीप नरवाल भी आ रहा है भाई साहब। हेलो, भाईचारा है भाई साहब, भाई के साथ में। तो देखो, जब गांव में टिकट दे ही जावे है तो 36 बिरादरी के भाई ऐसे ही होते हैं। तो कैसा कैसा लगे कि बाप ने भाई, तो मतलब ये जंग जीत जाओगे बड़ौदा की? ऐसा भाई, पास जो किसानों की जो मूवमेंट चली हुई थी ना, एक सच्चाई में जो एक पार्टी ने टिकट दी, एक किसान के लड़के को कांग्रेस पार्टी ने दी है, मतलब एक लोगों को ऑप्शन दिया है, किसानों को एक धारणा दी है कि अब इसके साथ चलें आप, एक विचारधारा होगी इसका। तो भाई साहब बिल्कुल किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और वे सारे बड़े बड़े परिवार हैं भाई साहब, तो बिल्कुल कहते हैं ना जमीन से जुड़े हुआ नेता नहीं है भाई साहब, ये सबका बेटा है। सबका बेटा, मतलब इसके तन मन धन से, इसको तन मन धन से भाई साहब, सब जितने किसान भाई हैं सारे के सारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको समर्थन देंगे। अच्छा। और इसके साथ इसका इलेक्शन उठाएंगे, मतलब इंदू राज नरवाल को पूरा समर्थन? पूरा समर्थन, बिल्कुल 36 बरादरी का समर्थन है भाई साहब का, बिल्कुल। ये देखिए भाई, यहाँ कुछ युवा थे, इन्होंने बताया कि भाई इंदू राज नरवाल को हम पूरा समर्थन करते हैं। यहाँ पर युवा साथी आए हुए हैं इंदू राज को समर्थन देने के लिए, वहाँ गाँव से जो नामांकन था। एक और भाई है, राम राम भाई साहब। राम राम भाई, क्या कहना भाई साहब? यहाँ भाई साहब यहाँ अपनी खुशी में आ रहे हैं, नॉमनी करने आ रहे हैं। अच्छा। इंदू राज नरवाल बालू का फार्म भराने आ रहे हैं। अच्छा। सीएम साहब ने एक उनके ऊपर विश्वास जताया पुराने कैंडिडेट होने के नाते। अच्छा। हम सभी चैनल वालों का भी, सीएम साहब का, दीपेंद्र साहब का, कुमारी शैलजा साहब का, सभी का धन्यवाद करते हैं। आपको पूर्ण विश्वास है कि भाई इस बार योगेश्वर दत्त को हरा देंगे? हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है, पहले स्थाई नेता है, इनको दे देंगे। सभी किसान मजदूर सब कांग्रेस के साथ है, सब कांग्रेस के साथ है। देखिए उसके साथ सरकार है, इनके साथ सरकार नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि मतलब हरा देंगे इसको? इन भाई के साथ सारी जनता है, जनता जनता प्रतिनिधि जीतेगा, जनता सब इनके तो साथ। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं कि पहली बार किसी पार्टी ने आपके गांव में टिकट दी है, तो कैसा लग रहा है? रिजर्व होने के बाद में पहली बार हमारे हल्के में आई है, और हल्का भारी बहुमत से विजय करेगा। भारी विजय से? हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी, कहाँ से आए हो आप? बैसवाल से। बैसवाल जी, क्या प्रोग्राम है आज का? आज का प्रोग्राम है जी, खट्टर जी
सरकार को उखाड़ने का प्रोग्राम है, जो ये किसानों का बहुत बड़ा पतन कर रहे हैं, ये किसानों के साथ जुलम कर रहे हैं। अच्छा जी, सारे किसान एक सुर में बंधे हुए हैं खट्टर को उखाड़ने के लिए, और आज बता देंगे खट्टर ने अब क्या मामला है, क्या कहानी है। और आपकी पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त है? आश्वस्त तो सब किसान सारे एक है जी, किसान मजदूर एक है, किसान एक है जी, सारे किसान 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 मजदूर किसान एक है जी। जब तक सारे मजदूर किसान एक होंगे, मजदूर किसान एक होंगे, तो फिर मतलब दूसरे बिगड़ा ही जाता भाई। मतलब 100% आप जीत के प्रति आश्वस्त है? बिल्कुल। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। कितने गांव में इतनी संख्या में आज यहाँ, आप कौन से गांव से आए? हम मैं बैसवाड़ से हूँ जी भाई साहब जी। फिर क्या प्रोग्राम आज का? बहुत सारी बैसवाड़ से कांग्रेस का कैंडिडेट कम से कम भी 1000 वोटों से जीत कर निकलेगा। योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है, मतलब पूर्ण से आश्वस्त है योगेश्वर दत्त को हरा देगा? 100% 100% पिछली दफा मामूली ही अंतर से जीतने से रह गए थे योगेश्वर दत्त। वो बारी कैंडिडेट था थोड़ा, हाँ, इसलिए उसको थोड़ी कम वोट आई। अब की बार कम से कम भी 25-30 हजार वोटों से जीतेगा ये कैंडिडेट कांग्रेस का। तो किन मुद्दों के साथ जाएगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस किसानों के मुद्दे के साथ जाएगी, मजदूरों के मुद्दे के साथ जाएगी, और जो ये भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ जाएगी। धान घोटाला, जितने घोटाले, बहुत ज्यादा घोटाले हुए हैं। देखिए भाई, यहाँ पर बहुत संख्या में नौजवान, युवा और हर उम्र का बुजुर्ग तक लग के यहाँ पे आए हुए हैं। जो गुवाहाटी में आज भाई इंदुराज भालू नामांकन भाई ये कुकर आ रहे हैं भाई। राम भाई साहब, आपका क्या कहना है यहाँ भाई? भालू के लिए आ रहे हैं हम इंदुराज के लिए। अच्छा, क्या प्रोग्राम आज का भाई? नामांकन बना रहा है, ये प्रोग्राम है। तो आप जीत के प्रति आश्वस्त? हाँ, बढ़िया तरिया जितवाओगे, बढ़िया, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। और इन तो बढ़िया क्या होगा, आपके गांव में पहली बार? हाँ, पहली बार टिकट दी है हमारे को। हल्के के बाहर को दिया, अगर के बाहर हल्के को दी है, बहुत अच्छा। हम आभार करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, बहुत अच्छा करा उन्होंने ये दे करके, और बहुत अच्छे हमारे लिए काम करेंगे सब, हर एक हल्के के लिए काम करेंगे, हल्के के लिए काम करेंगे। और युवा भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार, स्वागत है भाई साहब। आज यहाँ आए हो आप इतनी संख्या में, गाँव रंडाणा से आए आप? इंदुराज नरवाल के लिए आए हैं, उनका नामांकन करवाना है। नामांकन करवाने के लिए आए हैं, तो योगेश्वर दत्त भी मुकाबले में है उनके, कोई दिक्कत नहीं है कि योगेश्वर दत्त को हरा देंगे? पीछे रहा था, फिर हरा जाएंगे। अच्छा, पीछे रहा था, फिर हरा देंगे, फिर हरा जाएंगे, कन्फर्म है? पक्का आश्वस्त हो? जमा पक्के। ये देखे भाई, एक भाई हो रहा है, बता रहा है मोदी की डाली। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, कोई बात नहीं बाबा जी। हैं भाई, भाई साहब जो आज ये नामांकन देखना है, प्रदीप नरवाल तैयार है भाई साहब? भाई साहब, भाई साहब, भाई के साथ में तो देखो, जब गांव में टिकट दे ही जावे है तो 36 बिरादरी के भाई ऐसे ही होते हैं। तो कैसा कैसा लगे कि आपने भाई, तो मतलब जंग जीत जाओगे बड़ौदा के? ऐसा भाई, पास जो किसानों की जो मूवमेंट चली हुई थी ना, एक सच्चाई में जो एक पार्टी ने टिकट दी है किसान के लड़के को, कांग्रेस पार्टी ने दी है। मतलब एक लोगों को ऑप्शन दिया है, किसानों को एक धारणा दी है कि अब इसके साथ चलें आप, एक विचारधारा होगी। इसका तो भाई साहब बिल्कुल किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और सारे बड़े बड़े परिवार हैं भाई साहब, तो बिल्कुल कहते हैं ना जमीन से जुड़े हुआ नेता नहीं है भाई साहब, ये सबका बेटा है। सबका बेटा, मतलब इसके तन मन धन से, इसको तन मन धन से भाई साहब, सब जितने किसान भाई हैं सारे के सारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको समर्थन देंगे। अच्छा। और इसके साथ इसका इलेक्शन उठाएंगे। मतलब इंदुराज नरवाल को पूरा समर्थन? पूरा समर्थन, बिल्कुल 36 बरादरी का समर्थन है भाई साहब का, बिल्कुल। ये देखिए भाई, यहाँ कुछ युवा थे, इन्होंने बताया कि भाई इंदुराज नरवाल को हम पूरा समर्थन करते हैं। यहाँ पर युवा साथी आए हुए हैं इंदुराज को समर्थन देने के लिए, वहाँ गाँव से जो नामांकन था। एक और भाई है, राम राम भाई साहब। राम राम भाई, क्या कहना भाई साहब? यहाँ भाई साहब यहाँ अपनी खुशी मारे हैं, नौमी करना रहे हैं। अच्छा। इंदुराज नरवाल भालू का फार्म भराने आ रहे हैं। अच्छा। सीएम साहब ने एक उनके ऊपर विश्वास जताया पुराने कैंडिडेट होने के नाते। अच्छा। हम सभी चैनल वालों का भी, सीएम साहब का, दीपेंद्र साहब का, कुमारी शैलजा साहब का, सभी का धन्यवाद करते हैं। आपको पूर्ण विश्वास है कि भाई इस बार योगेश्वर दत्त को हरा देंगे? हाँ, मैं पूर्ण विश्वास है, पहले स्थाई नेता है, इनको दे देंगे, सभी किसान मजदूर सब कांग्रेस के साथ है, सब कांग्रेस के साथ है। देखिए, उसके साथ सरकार है, इनके साथ सरकार नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि मतलब हरा देंगे इसको? इन भाई के साथ सारी जनता है, जनता, जनता प्रतिनिधि जीतेगा, जनता सब इनके तो साथ। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं कि पहली बार किसी पार्टी ने आपके गांव में टिकट दिया, तो कैसा लग रहा है? रिजर्व होने के बाद में पहली बार हमारे हल्के में आई है, और हल्का भारी बहुमत से विजय करेगा।
भारी जी से। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी, कहाँ से आए हो आप? बैसवाल से। बैसवाल जी, क्या प्रोग्राम है आपका? आज का प्रोग्राम है जी इकट्ठे जी सरकार को उखाड़ने का प्रोग्राम है। अच्छा। जो किसानों का बहुत बड़ा पतन कर रहे हैं, ये किसानों के साथ जुल्म कर रहे हैं। अच्छा जी। सारे किसान एक स्वर में बंधे हुए हैं खट्टर को उखाड़ने के लिए जी। और आज बता देंगे खट्टर ने अब क्या मामला है, क्या कहानी है और मतलब आपकी पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त है? आश्वस्त तो सब किसान सारे एक है जी, किसान मजदूर एक है, किसान एक है जी, सारे किसान कभी किसान एक, किसान मजदूर किसान एक है जी। जब तक सारे मजदूर किसान एक होंगे, मजदूर किसान एक होंगे फिर बता दूसरे ग्रह दिया जाता भाई। मतलब 100% आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल। राम राम भाई साहब। राम राम। इतनी संख्या में आज यहाँ, आप कौन से गांव से आए? हाँ मैं बैसवाल से हूँ जी भाई साहब जी। फिर क्या प्रोग्राम आज का? बहुत सारी बैसवाल से कांग्रेस का कैंडिडेट कम से कम भी 1000 वोटों से जीत के निकलेगा। योगेश्वर दत्तो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है, मतलब पूर्ण से आश्वस्त है योगेश्वर दत्तो हरा देगा? हाँ 100% 100% पिछली दफा मामूली ही अंतर से जीतने से रह गए थे योगेश्वर दत्त। वो बारी कैंडिडेट था थोड़ा, हाँ इसलिए उसको थोड़ी कम वोट आई। अब की बार कम से कम भी 25-30 हज़ार वोटों से जीतेगा ये कैंडिडेट कांग्रेस का। तो किन मुद्दों के साथ जाएगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस किसानों के मुद्दे के साथ जाएगी, मजदूरों के मुद्दे के साथ जाएगी और जो ये भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ जाएगी। धान घोटाला, जितने घोटाले, बहुत ज्यादा घोटाले हुए हैं। देखिए भाई यहाँ पर बहुत संख्या में नौजवान, युवा और हर उम्र का बुजुर्ग तक लग के यहाँ पे आए हुए हैं। जो गुवाहाटी में आज भाई इंदुराज बालू नामक मुख्य मुद्दा बना हुआ था बारी का और घरे वाले का, तो इस मुद्दे को अब की बार तोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने और यहाँ अलकावासी को ही टिकट दिया। आप बने रहिए डीएन हरियाणा के लिए। डीएन हरियाणा के साथ मैं दिनेश जुलानिया गुवाहाटी से।